Hello guys, Divam here. This is revision lecture of history chapter The Nationalist Movement in Indochina. इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट में समझेंगे तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में हमने बात की है इंडोचाइना रीजन में नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। इंडोचाइना एक साउथ ईस्टर्न एशिया में पेनिनसुला को कहा जाता था। आज वहां पर तीन मेन कंट्रीज हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इस चैप्टर में हमने मेनली वियतनाम के बारे में पढ़ा है। 1858 में वियतनाम में फ्रेंच रूल एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि जो फ्रेंच आर्मीज थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। 1887 तक फ्रेंच इंडो चाइना भी फ्रेंड्स फॉर्म हो गया था। जो फ्रेंच पीपल थे वो वियतनाम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे, इसलिए 1890 में कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। सिविलाइजेशन भी उनका एक बहुत बड़ा एम था, जिसकी वजह से 1900 में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया। वो चाहते थे कि वो वियतनाम को मॉडर्न बना दें, इसलिए जो हैनॉय उनकी कैपिटल थी उसको रीबिल्ड किया गया था। पर बुबोनिक प्लेग के फैलने की वजह से वहां पर रैट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से 1903 में रैट हंट स्टार्ट हुआ था। फिर अराउंड 20 ईयर्स तक वियतनाम में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि फ्रेंच पीपल ने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज राइज हुए जिन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया। इसके लिए सॉन्ग्स, बुक्स, प्लेस, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई। और तो और फ्रेंड्स, जो जापान था वो इस बीच अपनी टेरिटोरी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका था और उसने 1940 में वियतनाम को भी कैप्चर कर लिया, जिससे कि जो फ्रेंच रूल था वो तो एंड हो गया पर जापानीज रूल स्टार्ट हो गया। फिर वियतनामीज ने मिलकर जापानीज आर्मी को फेस किया और 1945 में उन्होंने जापानीज आर्मी को डिफीट कर दिया, जिससे कि उनको इंडिपेंडेंस मिल गई। पर गाइस, जो फ्रेंच पीपल थे वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। उन्होंने अपना कंट्रोल रीगेन करने की बहुत कोशिश करी। इसके लिए उन्होंने एक रूलर को अपना पपेट भी बनाया और वियतनाम पर अटैक कर दिया। पर जो वियतनामीज थे उन्होंने मिलकर उनका सामना किया और 1954 तक ये वॉर चलता रहा। फिर 1954 में वियतनाम और फ्रांस के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन की गई, जिसमें फ्रांस ने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया और वियतनाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। फोक्स, फिर 1965 तक वियतनाम में कम्युनिस्ट की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से 1965 में यूएस ने वियतनाम पर वॉर कर दिया। हाँ फ्रेंड्स, अराउंड 9 ईयर्स तक ये वॉर चला। फिर फाइनली 1974 में एक पीस ट्रीटी साइन की गई वियतनाम और यूएस के बीच में, जिसमें वॉर को एंड कर दिया गया और फाइनली 1975 में द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फॉर्म हुआ। तो फ्रेंड्स, आप इस पूरी टाइमलाइन में देख सकते हैं कि वियतनामीज की रेजिस्टेंस ही उनकी पावर थी, जिसकी वजह से वो द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फॉर्म कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। आई होप कि आपको अब ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने अपना काम अच्छे से किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।